गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सुबह सुबह तो कोई बोर नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे घर के काम होते हैं ना कि बस बच्चों को स्कूल भेजना, मियाँ को ऑफिस भेजना, घर की मासी की बेल बजते ही दरवाज़ा खोलना, उसको सारा समझा देना, नाश्ता नहीं करना, ये करना, ये करना, तो सुबह के वक्त तो बोरियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। घर में एक पैनिक क्रिएट होता है, लेकिन इस वक्त जब मेरा शो शुरू होता है तब वो पैनिक ख़त्म हो गया होता है और फिर हल्की हल्की आपको बोरियत आना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये कि कुछ लोग नहीं सो पाते, इतनी सारी सुबह एनर्जी अपनी लगाने के बाद आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, अब कह लेटते हैं तो नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, और वो बोरियत दूर करने के लिए मैं सुबह सुबह आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आपकी बोरियत तो ऐसे दूर होती है, लेकिन आपको पता है आजकल मेरी बोरियत मैं किस तरह दूर कर रही हूँ? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपनी बोरियत टिकटॉक लगा लेते हैं, टिकटॉक देख के दूर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चैटिंग करके कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोरियत फ़ोन पर बात करके किसी से भी बोरियत दूर कर लेते हैं। गेम्स इतने सारे आ गए हैं भाई मोबाइल पर, आपके हाथ पे गेम्स देख के बोरियत दूर करते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, कोई ड्रामे लगा लेते हैं, कोई फिल्में लगा लेते हैं, मगर मेरी बोरियत आजकल जो मेरे ऊपर जो सवार हैं चीज़ें, मेरी बोरियत दूर होती है सेटअप्स देख के, शादी के सेटअप्स, बर्थडे के सेटअप्स, मतलब मैं वो देखकर टेबल सेटिंग, मैं ये चीज़ें देखकर इतना कुछ सीखती हूँ और इतना इंजॉय करती हूँ। उसकी रीज़न पता क्या है? मुझे ऐसा लगता है मैं गेम्स खेलूँगी मेरा टाइम ज़ाया होगा, हाँ मैं सेटअप्स देखूंगी तो मेरे स्टैटिक्स बेहतर होंगे, मैं अच्छी और बुरी चीज़ में मवाजना कर पाऊंगी, आगे मेरी ज़िंदगी में काम आएंगी ये चीज़ें कि कैसे घर सजाना चाहिए, बच्चों की शादी हो तो कैसे सजानी चाहिए। और यकीन जाने किसी और की शादी की वीडियो देखकर, किसी और की शादी का सेटअप देखकर भी अगर अच्छी बनी हो, अच्छे शॉट्स लिए हो, क्रिस्पी हो, बहुत मज़ा आता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते। तो जो मैं अपनी बोरियत दूर करती हूँ सुबह सुबह, पहले से मैं भी आपकी बोरियत इसी तरह दूर करवाने वाली हूँ। भाई हमने तो यहाँ पाकिस्तान की शादियाँ तो देखी होंगी, लेकिन दुनिया भर में भी बड़ी धूम धड़क्के से शादी होती हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा क्लिप जो है लेबनीज वेडिंग का, और दुल्हा दुल्हन की मेगा एंट्री। वाओ, हमारी शादी तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन दूसरों की ऐसी ग्रैंड शादी देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत मज़ा आता है, और ये किसी बड़े अवार्ड फंक्शन से कम नहीं लग रही है शादी। इसी तरह एक शादी सिडनी में भी हुई जिसको बाकायदा मीडिया ने आके कवर किया है, इतनी खूबसूरत शादी। हाँ, जितनी खूबसूरत कितनी बड़ी शादी, पैसा भी इतना ही खर्च हुआ, इसके ऊपर $40 मिलियन खर्च हुए हैं। ऐसा क्या है इसमें? ऐसी ऐसी शादियाँ दुनिया में हो रही हैं, बस अल्लाह ताला इनका नसीब एक साथ जुड़े रखे, क्योंकि गोरे शादी करते हैं और फिर इतनी धूम धड़क से करते हैं। सिडनी में आयशा और सलीम, इनका नाम है तो गोरे ही ना भाई, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मैं ये कह रही हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इतना मज़े का नहीं होता शादी से रिलेटेड। हम तो भाई अपनी पूरी ज़िंदगी घिस देते हैं अपने रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, उसको लेके निभाना ताहयात एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके खुशी गम को शेयर करके जीना, ये बहुत और मुश्किल टास्क है। तो मैं कहती हूँ कि जितनी ये शादियाँ होती हैं धूम धड़के वाली, कामयाब भी होती हों तो कितना मज़ा है। पाकिस्तान में भी कोई काम नहीं हो रहा आजकल, पाकिस्तान में भी ऐसी खूबसूरत शादियाँ, एस्थेटिकली इतनी कोई ज़बरदस्त होती हैं, खर्चा तो किया होता है, बहुत शादियाँ ऐसी होती हैं जिस पर खर्चा होता है लेकिन कोई एस्थेटिक्स नहीं होते, उनको देख के मज़ा नहीं आता सेटअप का। लेकिन ये शादी जब मैंने देखी तो मेरा तो मुंह खुला रह गया, मैंने कहा वाह ये क्या फेरी टेल है। हाँ जी, नेशनल टाइल्स वाले थे जिनके घर, मास्टर टाइल्स वालों की जिनके आप सैनिटरी वगैरह यूज़ करते, उनके घर की कोई शादी थी। लेकिन ये जो शादी की मैं बातें करी, शहनाई तो यहाँ भी पचने वाली है। अरे भाई यार, वाइप पे आठ से दस आप देख सकेंगे शहनाई, और इस शहनाई में कौन खुश होगा, कौन उदास होगा, कौन नाचेगा, कौन गाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बस 8 बजे पता चल जाएंगी। 8 से 10 ARY डिजिटल पर आज से शहनाई की पहली
एपिसोड मुलायजा फरमाइएगा, डबल एपिसोड आप देख पाएंगे। और साथ आज शहनाई की कास्ट से कुछ कास्ट आ रहे हैं, माशाल्लाह कास्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम टुकड़ों टुकड़ों में करके इसकी कास्ट बुला पाएंगे। करोना भी है, मैं इतने सारे लोग जमा नहीं कर सकती, तो अभी शहनाई की जो कुछ कास्ट के कुछ मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं। और इस शहनाई का गाना मैं आपको दिखाऊंगी, क्या अभी मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास टाइम है? क्या गाना, मतलब जो इसका प्रमोशनल सॉन्ग है वो इतना कोई खूबसूरत डायरेक्ट हुआ है, देखने में मज़ा आ रहा है, सबने इतना प्यारा डांस किया है और एक डिफरेंट तरीके से ये ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हंगामा कहानी के साथ। ये है शहनाई शादी वाला घर, आइए चल के देखते हैं इसका प्रमोशनल सॉन्ग। और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं शहनाई की कास्ट से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या भाग गया? दिल ये चाहे तू दिल का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियां सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूं पार्टिसिपेट करना है अपने ही घर में बैठकर, ना कोई शादी की तैयारी करनी है आपने, बगैर मेकअप सुस्ती में जैसे भी बैठे, लेकिन आपने इंजॉय करना है शहनाई को 2 घंटे के लिए आज रात ARY डिजिटल से। पहली शहनाई तो आज शुरू होने वाली है, आगे देखते हैं ये कहां तक आपको लेके जाती है। और इस शहनाई में जो एक कपल मुझे इस सॉन्ग के ज़रिए, इस टाइटल के ज़रिए, इस प्रोमो के ज़रिए नज़र आ रहा है, मैं सबसे पहले उनको दावत दूंगी। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड 2 एक्टर्स, जब एक साथ जमा हो तो कितना मज़ा आता है, रमशा एंड अफ़ान। ड्रामो में शर्मीले का एक्ट्रेस करने वाला बंदा क्या डांस कर रहा है 3 दिन की। हाँ, और मुझे लगता है जैसे लड़कियां वेट लूज करती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, क्या अफ़ान ने भी वेट लूज किया है इस प्रोजेक्ट में? नॉट एट ऑल, पता नहीं क्यों लोग मुझे क्यों कह रहे हैं। पतले हो गए और वो डांस करे, मैंने कहा ये शक्ल अफ़ान जैसी है, या तो अफ़ान के छोटे भाई है। छोटे भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले भी कोई इतने मोटे नहीं थे? नहीं, लेकिन ये इसमें तो काफी बहुत ही पतले हैं, मतलब हीरो वाली लोग आ रही थी। ओह रियली, थैंक यू। हीरो वाली तो जो रमशा, व्हेन आर यू मेकिंग योर नेक्स्ट फिल्म? बस अभी कुछ नहीं बना। हाँ, वो मेरे दिमाग में आया कि मुझे लगता था पहले के ड्रामे देख के जिस तरह आप करते थे कैरेक्टर, मुझे लगता था दुनिया अफ़ान फिल्मी मटेरियल है कि नहीं, मगर ये सॉन्ग देखने के बाद कि भाई फिल्मी मटेरियल आ गया है इनके अंदर। तो रमशा जो है वो भी डांस इतना अच्छा करती है? नहीं, तो पर्दाफाश हो गया। नहीं, मैं अच्छा डांस नहीं करती हूँ। अच्छा, किराया निकाल जी ने? जी जी, मुझे बहुत डांट, हमें बहुत डांट पड़ी थी। हाँ, लेकिन यार मतलब ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा इतना घरों में डांस नहीं हो रहा था, लेकिन जब शादी होती है ना तो जो नानी है, जो दादी है, छोटा बच्चा है घर का, बड़े से लेके छोटे तक हर कोई खुशियां सेलिब्रेट, क्या माहौल होता है ना यार। ओ, घर में भी और वैसे भी इवेंट्स में भी, घर में भी एक अजीब सी खुशी होती है। आपके जब इमीडिएट दोस्तों की भी शादी होती है, उसमें तो ऑब्वियस डांस प्रैक्टिसेस और वो प्रैक्टिस लेवल थोड़ा और होता है फैमिली के साथ, फिर भी कभी-कभी शाय हो जाते हैं, बट दोस्तों के सामने तो। लेकिन फैमिली के जो कजन होते हैं, जो हम उम्र होते हैं, क्या वहाँ पे अंताक्षरी होती है, हुल्लड़बाजी होती है, एक दूसरे को छेड़ना, ओफ क्या दिन होते हैं। नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे यार। सुने, हमारे खानदान में सबकी शादी हो गई, कोई नहीं बचा। सेम, कसम से सेम। आप बैठे बैठे प्लीज,
हाँ यार, मुझे ये हो रहा है कि मैं अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दूंगी, ताकि जिस तरह तुम लोगों की शहनाई में जावेद शेख भी नाच रहे हैं, बहरोज सब्जवारी भी नाच रहे हैं, तो उनकी माशाल्लाह हड्डियों में दम है ना, कि वो अपने बच्चों की शादियों में नाच रहे हैं। जो बात है ये तो है, अच्छा, ये तो है शहनाई, इट्स ऑल ओवर द प्लेस भाई। आजकल तो क्योंकि कोरोना की वजह से वो इतनी शादी की सेलिब्रेशन नहीं हो रही, तो आप लोगों का ड्रामा बिल्कुल सही वक्त पे लगा। वो हमें जो क्रेविंग्स है ना शादी की, शहनाई की क्रेविंग्स, हमें आज रात को मिल रही है। यस, तो हमें आज रात कितना अच्छा लग रहा है फान, क्या ये पीछे, हाँ आई नो। अच्छा मैंने और भी लाइक ड्रामों के प्रमोशनल सॉन्ग्स देखे, ये बड़ा मॉडर्न, इसके अंदर जो शादी का सेटअप है वो मुझे इतना कोई अट्रैक्ट किया है। डेलाइट वैसे थोड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह फूलों का सेटअप हुआ हुआ है, जैसे तुम लोग आ रहे हो, एकदम जरा गाना दिखाए ना जरा, फिर हम मजा आएगा, फिर थोड़ी मेमोरी जॉग। हाँ चाहे तू का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू, हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं, साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियां सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूं गॉड, मतलब कि वो एक्टर्स जो आपको रोते धोते हुए नजर आते हैं, मिस्कीन मिस्कीन कैरेक्टर, क्या सबके अंदर से वो यश चोपड़ा की साड़ियां निकली हैं, ओ माय गॉड, तो हैरान हो गई, देख बहुत मजा आ रहा है देखने में। थैंक यू। तो आज से आप लोगों का प्ले शुरू हो रहा है शहनाई? यस इंशाल्लाह। वो घिसी पिटी मोहब्बत के बाद क्या डिफरेंस आया है इस कैरेक्टर में, मतलब लाइक कितना जमीन आसमान का फर्क है? लेकिन घिसी पिटी में तो सामिया एक मैच्योर औरत थी। हाँ, ये इमेच्योर लड़की है। इमेच्योर जैसे होती है शादी से पहले बच्चियाँ। एग्जैक्टली वैसी है, बिल्कुल रिलेट करेंगी इससे लड़कियाँ। सब कुछ हाँ बहुत डिफरेंट है, मतलब इसका जॉनरा अलग, इसकी बहुत फैमिली ड्रामा में
सीन शूट करी थी, मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि यार कजिन्स के साथ मैं भी ऐसा करती थी बचपन में, सब लोग जमा होते थे, तो बहुत डिफरेंस है और मजा आ रहा है, बहुत मजा। अफान आप यहाँ फिर खंबे के साथ खड़े होकर रो रहे हैं या रुला रहे हैं? नहीं, इसमें ना रुला रहा हूँ ना रो रहा हूँ, इट्स अ लाइट हार्टेड स्टोरी, बस लाइवली है, मजे की सिचुएशन है, एग्जैक्टली वो है। तो पहली दफा मैंने कोई ऐसी चीज ट्राई की है, थोड़ा सा वो जो नहीं लड़कों का काम होता है एक्चुअली घरों में शादियों में लड़कियों को छेड़ना और वो सब, ये सारे काम किए आपने? नहीं, हम दोनों अपने मसाइल में ही फंसे, वो हल करें, बाकी ये सब कुछ हो रहा है, छेड़ना छोड़ना। थोड़ा अगर एक मुझे जैसे एक टीजर दें आप, अगर आप जबानी के जैसे शादी के घरों में होता है कि लड़का लड़की एक साथ जो है उनके अंदर कुछ घंटी बचती है और शादी की तैयारियों में सारी खानदान मगन होता है मगर उनकी अपनी तैयारियां चल रही होती, कुछ ऐसा सिनेरियो ही है, है कितना मजा। लेकिन घंटियां एक दूसरे के लिए As in, मैं ये बहुत, मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रमाइस दे देता हूँ कि नेबर्स नहीं है। जावेद शेख साहब के दोस्त का मैं बेटा हूँ, लंदन से आ रहा हूँ तो इससे रिश्ता तय होना है, तो जावेद साहब अपना नेबर जो साथ वाला घर है वो एक महीने के किराए पे ले लेते हैं, तो हमारी फैमिली वहाँ आ जाती है। बस मैं इतना बताऊंगा, आमतौर पर ऐसा होता है और ये बहुत मजे की सिचुएशंस हैं, बीच में ढोलकियाँ हो रही हैं, रज जगे हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और हमारी ट्रेजेडीज भी चल रही हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी यार, जबरदस्त। वो मतलब लाइक सुन के ही मजा आ रहा है कि आप देखना है, इतने इवेंट्स हैं, इतने इवेंट्स हैं, ढोल की करवा करवा, हाँ एग्जैक्टली, ढोल की मायू रज जगह और अभी मेहंदी शादी, हमेशा ही सारे कपड़े वगैरह कहाँ से आए, मतलब लोगों डिजाइनर से ये हैं, हम सब हम मतलब ये शादी के कपड़े देख देख के भी हम खुश होंगे, बिल्कुल होंगे। जो बड़े इवेंट्स जैसे मंगनी हो गया, मेहंदी हो गया, शादी हो गया, वो ऑब्वियसली डिजाइनर से, लेकिन जहाँ ढोलकी और ये सब चीज़ें वो घर, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद है ये चीज़ें। हम लोग लाइक मॉर्निंग शोज पर भी जब शादियाँ वादियाँ कर रहे होते थे, हालांकि बदनाम होते हैं लेकिन लोग इतना देखते थे, उनको अच्छा लगता था, और जब वो स्टोरी भी होगी साथ इतना मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। मतलब लाइक मुझे भी खुद एक्साइटमेंट हो रही है, मैं तो सिर्फ शादी के भी कही थी, सेटअप्स देखती हूं तो मेरी बोरियत दूर हो जाती है। तो बस मतलब आप, आपने भी देखे हैं फिर आप? मैं तो तुम्हारे हर रोज डबल एपिसोड, आपको तो पता है मैं लेकिन आप देखी होंगी, प्रोडक्शन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ओएसटी एंड एवरीथिंग, मतलब लाइक वो एक दोपहर की शादी वाला कांसेप्ट है ना, लोग अब ये सोचेंगे चाहे गर्मी हो कुछ, पिक्चर्स तो अच्छे आ रही है ना भाई। हाँ। आजकल तो लोग पिक्चर्स के लिए क्रेज़ी हैं, लेकिन हमारा जनवरी में शूट, हाँ लकीली हमें गर्मी नहीं लगी, हमें सर्दियों में हमने ये शूट किया था। अच्छा। सुबह जाते थे तो ये मैडम अलाव जला के बैठी होती थी। जी बहुत सर्दी भाई, देखिए ये जो गाना है ना इसमें तो ये दोनों तो हैं ही, लेकिन साथ जो भी सारे शामिल हैं एक्टर्स, उन्होंने भरपूर परफॉर्मेंस दी है, और इसलिए जो है ना मैं सबको बुला के ना यहाँ पे गप्पे मारना चाहती हूँ। तो आइए, जो यश चोपड़ा की साड़ी हिलाते हुए मेरी दोस्त, जिसके अंदर वो हीरोइनों की कोई दर्जन हीरोइनें अंदर बसी हुई हैं, वो उनको बुला रही हूँ मैं, और बड़े दिनों बाद मेरे शो पर आ रही हैं। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया अब्बासी, उनका क्या कैरेक्टर ड्रामे में उनको बुला के पूछते हैं। जवेरिया अब्बासी आ जाइए, ऑरेंज साड़ी, ओह माय गॉड, मेरी ऐश्वर्या आ गई भाई। कैसे हैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, कहाँ मैं तो एक्सपेक्ट कही थी वहाँ ऑरेंज पहनी, तो यहाँ नीली साड़ी तो होगी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, साड़ी को जो कैरी करना भाई आता है ना जवेरिया को, तो हमें कोई क्लासेस लेनी चाहिए। बिल्कुल को दिए मैंने। जी जी अभी जो हमारे सीक्वेंस है उसमें मेरी साड़ी इन्होंने ही बांध दी है। ओह माय गॉड, तो अम्मा इनकी एक्सपर्ट, तो ये भी एक्सपर्ट। बस आप लोग खड़े क्यों, अदब में खड़े हो गए तुम्हारे, मजे की बात है। ये तो मुझे पता है कि जवेरिया अच्छा डांस करती हैं, लेकिन भाई जो एक और साड़ी पहन के फुल डांस करती हुई नजर आ रही है, उन्होंने तो बकायदा अपने मियाँ के साथ यहाँ मुकाबले में शामिल हुई थी मेरे शो में। हमने बड़ा मजे का ईद का शो किया था, और मैं और उसका ना अंगूठा कोई फ्रैक्चर हो गया था या कुछ, उसी लंगड़ाते हुए अंगूठे में वो जीत गए वो लोग, दोनों मियाँ बीवी। इतना कोई मजेदार डांस करते हैं, एक्टिंग तो अच्छी करती है, लेकिन देखिए हर किसी को एक्टिंग और डांस नहीं आता, एक साथ एक बोनस है। आइए वेलकम करते हैं महम, महम फैजान लंबो। हेलो, क्या आपने भाई फुल स्लीव की वो नहीं होता है एक वो शमीमारा टाइप साड़ी पहन के आपने फुल फुदकता हुआ डांस किया? फुदकता एकदम, मुझे अपना आप रैबिट जैसा महसूस हुआ, फुदकता हुआ डांस, एनर्जी वाला ना, मतलब कुछ लोग जरा
अलग तरीके से डांस करते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी थी, हम ये तुम सबकी खवातीन के लिए खड़े हो रहे हो, मुझे बड़ा बहुत ही जेंटलमैन है भाई. मैं हर दफा ये कहती हूँ, हर दफा जब ये आते हैं इसका रिश्ता आता है. अच्छा, क्योंकि ये इतना जेंटलमैन अपने आप को प्रूव करके चला जाता है. प्रूव करके चला जाता है. मैं माशाल्लाह, मैंने कहा सबके लिए अलग खबर. चले आप नहीं, मैं खड़ा हूँगा. तो भाई बड़ा मजा का लग रहा है आप लोगों को. थैंक यू सो मच. आज रात तैयार है ना आप लोग शहनाई के लिए? बजने वाली आज से 10 प्लीज. हाँ जी भाई. और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो नए लोग आ गए ना, वो भी बड़े अच्छे आ गए. मैं तो हैरान ही रह गई ना, जिन्होंने आपका गाना कोरियोग्राफ कराया, निगाह जी. जी तो वो तो फैन ही हो गए ना. उन्होंने शायद सबका इतना जिक्र नहीं किया, लेकिन उसको तो जिक्र करे जा रहे थे कर जाए कि बड़ा. मैंने कहा खैर है निगाह जी, तो जिक्र क्यों कर रहे हैं क्या? तो वो मुझे समझ आ गया कि भाई वो इतना अच्छा डांस करते हैं और उनकी डांस की वीडियोज भी इतनी वायरल हुई हैं. आइए वेलकम करते हैं, हम दोनों को एक साथ बुला लेते ना. मरियम भी अच्छा डांस करती है, लेकिन जो भाई अहमद ने डांस कर दिया है, छा गए हम. आइए वेलकम करते हैं मरियम नूर एंड अहमद शोएब. हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट बैठ जाइए. अभी तक हमने आप लोगों का डांस देखा, अब एक्टिंग अगर हमने आपकी देखनी है तो हमें 8 से 10 मौका मिलेगा. आज पहला एपिसोड देखने का, डबल एपिसोड है एक्चुअली शहनाई जो हम आज रात देखेंगे. तो शुरू में ही ये शादियों के सीक्वेंस शुरू हो जाएंगे या अभी कहानी चलना? शादी के सीक्वेंस ही चलते रहेंगे. अच्छा, एंड तक. आपको पता है ये वाला सीरियल जो है ये 1 महीने की कहानी है. हाँ जी, जस्ट वन मंथ. वाओ, अच्छा. तो ये सिनेरियो है, तो क्या ऐसा होगा पहले एक की शादी एक कपल की? नहीं, एक ही की हो रही है. एक ही की हो रही है. एक ही की शादी 1 महीने हो रही है. 1 महीने में ढोलकियां और ये वो फुल. तो क्या ये तो आपने पूरा एक गाना दिखाया, तो डांस प्रैक्टिसेस भी दिखाई हैं अलग से? डांस भी कर रहे हो अहमद? हाँ, हमारे हर काफी BTS थी हमारी जो हमने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे. अच्छा, तो काफी चीजें थी हमारे पास कंटेंट वगैरह लगाने की. और मैंने प्रैक्टिस तो की थी, डांस प्रैक्टिस की पूरी. हाँ, पर दो तीन दिन चलती रही है. मैं उसके बाद जाकर 2 दिन में हमने OST किया और सुबह से शाम तक डांस ही करते रहे. आप लोग एक्टिंग वगैरह करके घर जाते होंगे ना, तो वो लाइक डायलॉग्स होते होंगे. यहाँ तो खुद पैर वैर दबाते होंगे घर जाके शादी करके. क्या कुछ हुआ पैर वैर? बॉडी क्रैम्प्स. सारी जिंदगी डांस नहीं किया, सुबह से रात तक निगाह जी बैठने ही नहीं देते थे. चलो दोबारा उनकी देवी थी, अगर एक भी गलत स्टेप हुआ मैं तो फिर चप्पल भी मारूंगा. मैंने स्कूटी भी रखी है. अच्छा, निगाह जी के ना फेवरेट जो थे ना वो तो ये दो थे. कौन दो? मुझे मेरे बारे में कहते इसके अंदर सबका माई मुंडा खत्म नहीं हो रहा है. उस गाने में पूरा शॉट है सीक्वेंस का छोटा सा, जिसमें मैं और रमशा पूरा खुल करके आते हैं गुस्से के साथ. हम वो कर रहे थे तो हमें लिटरली निगाह जी ने डांटा था वहाँ पे कि एक को साड़ी पहनाई है एक को लहंगा पहनाया, दोनों में लड़कों जैसी बातें, लड़कियां तो कहीं नहीं दिखती दोनों में. और हम लिटरली बात पे डांट खा रहे थे कि अदाएं कहां है, अदाएं निकालो, मारूंगा मैं यहाँ से पकड़ कर. हम दोनों से उनका मतलब था वो वाली अदा ना. एग्जैक्टली, खा भी जे को ही रहे थे कि इधर देखो इधर होती है अदाएं. देखो कोई ओवर नहीं है, इतना ऑन पॉइंट. अभी देखा था ऑरेंज साड़ी वाला शॉट ये दिया है जे, जरा हां ये सारी बातें होती रहेंगी. एक छोटा सा वक्फा है, लेकिन याद दिलाती चलूं कि अगर आपने ये सारा हंगामा एक साथ देखना है 2 घंटे के लिए, तो रात 8 से 10 इंतजार कीजिए पहले एपिसोड, डबल एपिसोड का शहनाई. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह ने चाहा तो इस दफा बात पक्की हो जाएगी. मुझे तकलीफ तब होती है जब ये आड़े टेरे ना मुझे रिजेक्ट कर देते हैं. शादी अटेंड करने आए हैं, शादी अटेंड करके चले जाएंगे. नहीं ना जाए शादी. इस तरह पहले लड़कों को भगाया था, इसे भी भगा देना. मेहराब, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी. कभी भैया दूल्हा भाग गया. दूल्हा भाग गया? अम्मा चलो जी, फिर शुरू हो गए लोग. पहले तो लड़के बक को देखने के बाद भागते थे, अब तो देखने से पहले ही भाग रहे हैं. मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे. मैं शादी नहीं करूंगी.
शादी तो मुझे भी नहीं करनी है। सच? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शहनाई आज रात 8 से 10 देख सकेंगे एआरवाई डिजिटल पर, आई ड्रीम प्रोडक्शंस, अहमद भट्टी का ड्रामा। राइटर किसको याद है? राधेन शाह। कौन? राधेन। राधेन शाह, ओके। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो ऑब्वियसली कैमरे के पीछे होते हैं, जड़ होती है ड्रामे की, जाहिर है। और उसके बाद फिर कैम डीओपी और सारे टेक्नीशियंस होते हैं जो मेहनत करते हैं, आप लोगों से पहले आते हैं, आप लोगों के बाद जाते हैं, उन सबको क्रेडिट, सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, सबसे बड़ा क्रेडिट। ये सारी एंटरटेनमेंट आप तक उन लोगों का ही काम होता है पहुँचाना, बगैर शिकायत के काम करते हैं। बिल्कुल। तो जी, यहाँ ये जो रमशा है, इनका नाम है ड्रामे में बख्त, बख्त, और अफान का नाम है मीराब। मतलब लाइक एक प्रोनाउंसिएशन है, मैं आज के शो में पूरा आपको कोर्स करवा रही हूँ मीराब और बख्त, ताकि आपकी प्रॉब्लम आपको ना हो ड्रामे में बार 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 नामों पे तो अभी रटवा लूँ, ठीक है। साथ में जवेरिया का नाम, जवेरिया तुम्हें मुन्नी क्यों कह रहे हैं? कोई निकल रखा है बस मुन्नी, मुन्नी कभी कोई मुन्नी खाला कहता है, कभी मुन्नी गुप्पो कहता है, कोई मुन्नी बाकी कहता है, वो सबके घर में कोई मुन्नी खाला। तो वो मेरा जो कैरेक्टर है वो इन सब बच्चों के साथ है। हाँ। तो मैं इनकी वो हेल्पफुल वाली खाला हूँ। हाँ। और इन सबसे बहुत प्यार, खाला होती है ना जो सबसे छोटी होती है। हाँ। उनकी सबकी बनती है, सारे कजन से बनती है, वो हर घर में एक खाला ऐसी होती है, या पुप्पो होती है या खाला। तो ये मुन्नी है और आप है हुनैन, हम्माद का नाम है ड्रामे में हुनैन। तो यहाँ ना टीम बख्त, टीम बख्त में ड्रामे में भी कुछ आपको ऐसा ही कुछ लगेगा। मैंने ड्रामे से ही एक चीज निकाल कर मैंने बख्त की एक टीम बना दी है। इनका वो शुरू शुरू में तो होता है ना जरा एक लड़ाई झगड़ा चलता है ना हीरो हीरोइन में, तो यही होता है। फिर आखिरी एपिसोड तक चल रहा है, वो ये होता है जहाँ प्यार है मोहब्बत है वहीं जरूरी हो। और यहाँ जो टीम मिराब है उनके साथ, मरियम का नाम है क्या? साइमा। और माहम का नाम है समरीन। तो एक तरफ समरीन है, एक तरफ साइमा है, बीच में मीराब है। अब इनकी ये कौन है, इनकी ये कौन है, ये मैं नहीं बता रही, सॉरी। या बरात में आप खुद कुछ भी देख, खुद तो कुछ कर लें। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिसाइड कौन किसका है ना, इट्स वेरी ट्विस्टेड। तो ये इस वक्त मैंने उन दोनों, इन दोनों को टीम्स में डिवाइड कर दिया है और हमने कुछ सवाल करने हैं बख्त से, उसका इसका जवाब भी पहले हमें दे चुकी है। इन्होंने क्या जवाब दिया है, ठीक है, वो मुन्नी और हुनैन ने बताना है। और अगर आपने सही जवाब दिया तो बजेगी शहनाई, पीछे से आवाज आएगी टर्टर। कैसे बजती है शहनाई, क्या होती है उसको, ठीक है। और अगर उसका गलत जवाब हुआ तो बजेगा ड्रम, ढोल या ड्रम जो भी कह लें, ठीक है। या वाइस वर्सा यही होगा कि अगर मीराब का जो, यही सवाल हमने मीराब से भी पूछा है, सही प्रोनाउंस करिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप दोनों ने, समरीन और साइमा ने उसका सही जवाब दिया तो यही होगा। देखते हैं कि किसका किसको जाते हैं पॉइंट। पहला सवाल, अगर अगर मीराब या बख्त, ठीक है, किसी अनजाने की शादी में, किसी अजनबी की शादी में खाना खाते यानी क्रैश करते हुए पकड़े जाएं, तो वो क्या जवाब देंगे, ठीक है। या तो वो ये कहेंगे कि मैं समझी या समझा दोस्त की शादी है और इसलिए मैं गलती से एंटर हो गया, मुझे जाना था बराबर वाले हॉल में, मैं इधर आ गया या आ गई। या फिर होल में की खुशबू सूंघ के ना रहा नहीं गया इसलिए मैं खाने चली आई या खाने चला आए। पहले मैं वाले क्वेश्चन में मुझे बख्त का ज्यादा पता है एक्चुअली, मुझे बट बख्त मीराब इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अभी हमें सिर्फ हुनैन और मुन्नी से जानना है कि क्या कहेगी बख्त, क्या लग रहा है, कोरमे की खुशबू पे जाएगी, क्या कोरमे की खुशबू, बिकॉज़ आई थिंक शी लाइक्स टू ईट। और इतनी डम तो नहीं है कि चली जाए। मेरे बच्चे जा रहे हैं आजकल, हम शादी क्रैश करने जा रहे हैं, जो भी करीबी हॉल में या कहीं होती है सारी दोस्तें मिलके शादी क्रैश करने जा रहे हैं। मजा उसका ही है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी क्रैश करने का मजा ना, वैसे नॉर्मली इनविटेशन भी नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये तो हमने तो फिल्मों में देखा है, तो बच्चे मिलके क्रैश करने जाते हैं शादी। जाती हो तुम क्रैश करने? नहीं, आजकल नया ट्रेंड चला है जवेरिया, ये पता नहीं
हमने थोड़ा भी शर्म के हम तो रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं। कोरोना की वजह से हो नहीं रही ना, बच्चों को क्रेव खाना कोरमा खाने चले जाए तो क्या कहते हैं कोरमा सेकंड कोरमे की खुशबू। अच्छा आपको क्या लगता है ढोल बजेगा कि शहनाई? सही जवाब होगा तो शहनाई बजेगी, मुझे लगता है शहनाई बजेगी। हां जी टीम रमशा ने जवाब दिया था कि मैं समझी किसी दोस्त की शादी है के साथ। और रमशा हाँ ईगो होती है, मैं ये तो नहीं कह सकती मुझे कोरमे की स्मेल आ रही थी। आप लोग क्या कहते हैं साइमा और समरीन के बख्त सॉरी नीरब का क्या जवाब? मैं समझा कि दोस्त की शादी है। हाँ मैं समझा कि दोस्त की शादी। आप लोगों को क्या लगता है सही है? जी जीएमपी टीम मैं समझा कि दोस्त की शादी, इसलिए मैं शादी क्रैश करने आ गई। क्या है जवाब? बहुत बुरी बात है। तो पहला सही जवाब टीम मीराब की तरफ से आ गया, मीराब की तरफ से आ गया है। जी टीम लिखिए, मीराब को जाता है एक पॉइंट। नेक्स्ट सवाल, ओके मेहमान के बच्चे ने आपके नए मोबाइल पर पानी डाल दिया, मौका पाते ही बच्चे की पिटाई लगाई, चुटकी मुचली मेहमान से नए मोबाइल की फरमाइश करेंगे, क्या करेंगे? मौका बना आपके दो ऑप्शन है, या तो आपको मौका मिलेगा और बच्चे की चुटकी नोच लेंगे या कुछ ऐसा, या दूसरा ऑप्शन है मेहमान से नए मोबाइल की फरमाइश करेंगे, आपके बच्चे ने मेरा पोचे की बाल्टी में डाल दिया मोबाइल या कुछ कुछ भी कर दिया। जी ये देखिए आंखों हमारे पास 1 2 3 4 कैमरे जो आपको पकड़ रहे हैं और आपकी आंखें इतनी बड़ी है कि अच्छे से फोकस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जी मुन्नी खाला ये वो वाली गंदी बच्ची है जो चुटकी नोच देगी। चुटकी नोच देगी आजी तो यहाँ जवाब दिया इन लोगों ने ये कि जो बख्त है वो बच्चे को मौका मिलते ही कहीं से चुटकी नोच देगी। तुम लोगों को क्या लगता है शहनाई बजेगी कि ड्रम? ड्रम मुझे लगता है ड्रम। अच्छा चलें जी टीम बताएं क्या बज रहा है। अच्छा मैं मेहमान हूँ, चलो मेरे बच्चे ने कर दिया, मुझे फोन दे भाई पागल बच्चा, मैं क्यों छुट्टी काटूँ छोटे बच्चे। हाँ जी मीरा क्या जवाब होगा? मुझे लगता है कि मेरा मांगना चाहेंगे फोन लेकिन वो चुटकी काट के ही फील बेटर। हाँ तो आप भी आपको लगता है कि मेरा जो है वो चुपके से चुटकी काटेगा बच्चा? हाँ हाँ खामोशी से, पता भी नहीं चलेगा और जब रोएगा तो बोलेगा अरे क्या हो गया बेटा क्यों रो रहा है। जी क्या बजेगा? ड्रम की शहनाई। ड्रम ड्रम जी टीम दोनों ने मोबाइल ही मांग लिया यार, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू गाइस। पागल है बेचारे। ये देखिए हमारे टीम वाले लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग एक काइंड सोल्स हैं, काइंड सोल्स हैं, बच्चे को चुटकी काटेंगे। मैंने कहा यार गो फॉर द लेसर इविल। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे कुछ माँ बाप के बच्चे ऐसे, माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं कहते, हम तो अपने बच्चों को आंखें दिखा रहे होते हैं ना ये नहीं करो, उनके बच्चों को दिल चाहता है चुटकी नोचने का। आपके सामने आप बैठे होंगे ना लोगों में तो आएंगे आपको प्यार करते करते थप्पड़ मार के चले जाएंगे, फिर तो कुछ ना कुछ बनता है। और अम्मी कहते हैं बेबी डोंट नो। हाँ नहीं वो तो बेबी नो कुछ ना, माशाल्लाह देखो कितना प्यार है थप्पड़ मार के चले। नहीं हां एग्जैक्टली ये मैं कह रही हूं, बच्चों से भी थप्पड़ पड़ते हैं, पड़ जाते हैं। मैं वही सोच रही थी। ओके जी नेक्स्ट सवाल, यहां अभी सिर्फ एक पॉइंट गया है मीरा आपके पास। नेक्स्ट सवाल है किसी से मिलने जाने के लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी चाहिए तो क्या बहाना बनाएंगे? ए बॉस पेट में दर्द है, बॉस बॉस मेरे दादी या नानी का इंतकाल हो गया, बहाना बना के दोनों में से क्या नहीं, ये इसके तो पेट में ही दर्द होगा, यूजुअली सेट पे भी होता है। हाँ बाप के पेट में दर्द होगा ये बहाना बनाएगी। ओके जी टीम आप क्या कहती है कि क्या ड्रम बजेगा शहनाई बजेगी? शहनाई, मैं तो हर एक पे शहनाई बोलती हूँ। सही प्रमोशन, बताइए क्या बजेगी? ये एक नंबर तो है यही
जवाब अगर मैं इनसे लेना चाहूँ यानी मीराब से, तो आप लोगों को क्या लगता है? पेट में दर्द, हाथ में ऊपर ही लेंगे, किसी को मारेंगे? हाँ, पेट में दर्द है। नहीं, जो जो मर भी चुका होगा उसको भी मार सकता है? नहीं नहीं, पेट में दर्द। मीराब इज अ गुड। जी टीम, जी टीम, क्या ऊपर? अच्छा ऊपर दिखाओ उसको, क्यों मेरे क्या दबाने में। टू और वन का स्कोर हो गया है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं जी मीराब और पख की टीम से। किसी से मिलने जाने के लिए नहीं, ये तो हो गया ना, आगे चलो फिर बढ़े। शादी में खाली लिफाफा दे आए कभी हुआ है? शादी में खाली लिफाफा दे आए और इस हरकत पर इनकी जानिब से कॉल, उनकी जानिब से कॉल आ गई है, माजरत में आपको नहीं जानता, मतलब लाइक ये कहेंगे कि माजरत किस कौन क्या, मैं तो आपको नहीं जानता, या मैंने तो पैसे रखे थे किसी ने निकाल लिए, या तो आप कहेंगे गलत नंबर मिल गया, क्या कौन किसकी शादी की बात हो रही है, क्या मैंने लिफाफा ऐसा किया? सेकंड कि मुझे भी यही लगता कि मैंने तो पैसे रखे थे किसी ने निकाल लिए हो। हाँ, शहनाई की ड्रम, शहनाई, गुड 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 गुड, टू टू हो गए जी। मीराब क्या कहेंगे? समरीन एंड साइमा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, पैसे रखे थे, मैं तो रखे थे, गए, निकल गए, गिर गए होंगे, गिर गए, जी टीम, थ्री टू, अभी भी लीड कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट सवाल, आपके वो दोस्त जिनसे अम्मी चिढ़ती हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप क्या कहकर जाएंगे, बहाना मतलब अम्मी से क्या बना के जाएंगे? दोस्त के घर मिलकर पढ़ने जा रहे हैं या कंबाइंड स्टडी, या मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया? दोस्त के घर, हाँ, मिलकर कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहे हैं। शहनाई या ड्रम? शहनाई, थ्री थ्री हो गया, थ्री थ्री हो गया जी। फर्स्ट ऑप्शन, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, कंबाइंड स्टडी ये भी यही कह रहे हैं जी। क्या है? शहनाई की ड्रम, फोर थ्री, अभी भी मीराब की टीम आगे है। आइए जी नेक्स्ट सवाल, किसी ने अपना सामान रखवाया हो लेकिन उस पर आपका दिल आ गया, कोई अमानत रखवाई हो उस पर आपका दिल आ गया हो, तो क्या करेंगे आप? इसे रखने के लिए आपका क्या बहाना, अपने पास इसको, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए आपके पास क्या बहाना होगा? भाई यार घर से चोरी हो गया, या फिर तुम्हारे रखवाए हुए सामान में वो चीज थी ही नहीं जो तुम जिसका जिक्र कर रहे हो? नंबर टू ऑप्शन, नंबर टू, नंबर टू, शहनाई या ड्रम? गुड 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 गुड, फोर फोर जी। साइमा समरीन, आई थिंक सेम सेम, यार कॉपीकैट क्यों हो तुम लोग हमारे? तो भाई नहीं, एक जैसे हम क्या करें? ओके जी, तुम्हारे रखवाए हुए सामान में वो चीज थी नहीं, मैं क्या करूं जी? ड्रम या शहनाई? Five, four, leading. हाँ जी, next सवाल, किसी तकरीब में रिश्तेदार ने आपको अपना बच्चा संभालने के लिए दे दिया है, जरा पकड़ना बख्त, मैंने साड़ी पहनी हुई है, संभालने के लिए बच्चा कहीं रख कर भाग जाएंगे, या बच्चे को चुटकी, फिर चुटकी नोचवा रहे, बच्चे को चुटकी नोच कर चुप करवाएंगे और वो चुप नहीं होगा तो ब्रह्मा को ले लेंगे, बच्चा कहीं रख कर भाग जाएंगे, रख कर भाग जाएंगे। शहनाई के ड्रम, मीराब कभी किसी का बच्चे से छोड़ के जाएगा नहीं, चुटकी वो नोचेगा नहीं, तो क्या किया है भाई? चुप करवाने की कोशिश करेगा, आई थिंक सो, पर चुटकी क्यों काटेगा, चुप करवाएगा, दो है बेचारे के पास, चुप करवाएगा, इन एनी केस चुप करवाएगा, अब आई डोंट नो, बच्चे को चुटकी नोच कर चुप करवाएगा, ये वाला जवाब है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हां बोल दिया उसने, अब बस बोल दिया, बोल तो दिया, चुप करवाएंगे, चुप करवाएंगे, चुप करवाएंगे, चुप करवाएंगे जी। 6-5, ये तो बच्चे को चुटकी नहीं होता यार, अकेला बच्चा कैसे छोड़ के जाएगा, वो रोएगा, चुप कैसे, इधर मैं पूछना चाहूंगी, वो चुटकी नोचे और एक्टिंग करेंगे चुप कराने की, नहीं चुप होगा ना, चुटकी नोचेंगे तो मां के ले लेगी, तो वो तो वैसे ही रो रहा था, वैसे ही आके ले ले, अभी एक्सपीरियंस नहीं है अभी, जब हो जाएंगे तो पता चलेगा, दूसरों के बच्चों को चुटकी नहीं नोचा।
तो मैं कुछ संभालने को देके नहीं गया होगा, मैं भी स्टेज से तस्वीरें खिंचवा के आती हूँ। पकड़ो पकड़ो अपना बच्चा। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों के साथ खाने पर गए हुए हैं, बिल से बचने के लिए क्या करेंगे? वॉशरूम का बहाना बनाकर निकल जाएंगे या क्या करेंगे? वॉलेट घर में भूल कर आने की एक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? वॉलेट घर पे भूल के आने की एक्टिंग। चेन्नई के ड्रम, चेन्नई तुम्हें खुद भी भूल गई थी मैंने। ओके जी, सिक्स सिक्स समरीन एंड साइमा, क्या करेंगे मीरा? आप बटवा भूल के ये गलत बता दें, उनका बहाना बनाकर वॉशरूम का बहाना बना के निकल जाएंगे जी। ड्रम या शहनाई? क्या हो रहा है? नेक्स्ट सवाल। झूठ नहीं बोलो बड़े। कुंडा लगाते हुए बिजली, क्या तुम लोग वक्त और मेरा जी क्या किसी खान कौन से खानदान? कुंडा लगा रहे भाई, कुंडा लगाते हुए बिजली वालों ने आपको पकड़ लिया है, ऐसे में क्या करेंगे? खर्चा पानी देकर जान छुड़ाएंगे या करंट लगने की एक्टिंग करेंगे? आई गेस शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो सेकंड वन। हां, करंट लगने की एक्टिंग करेंगे। हां, ड्रम के शनाई भी हो जाएंगे ना। ड्रम या शनाई? मुझे लगता है शनाई। करंट लगने की एक्टिंग करेंगे। ड्रम या शहनाई? अभी तक ड्रॉ है, क्या और सवाल है मेरे पास? नो, बस हम जीत गए, दैट्स इट। आप आगे नहीं खेलेंगे। हां भाई, नेक्स्ट सवाल दो, जरा देखते हैं। वी बेटर गेट, ये आखिरी सवाल है, ये जिसने सही दे दिया वो होगा या तो मीराब की टीम जीतेगी या बख्त की टीम, दोनों भी जीत सकते हैं। एटीएम से पैसे निकालते हुए बाहर चोरों को देख लिया है, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? एटीएम लॉक करके अंदर बैठे रहेंगे या फोन करके किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे? क्या करेंगे? ये तो इतना डांटा है तो मार देगी अगले को। हुनैन और मुन्नी एटीएम लॉक करके अंदर बैठ जाएंगे। शहनाई या ड्रम? सवाल दुरुस्त हुआ, आठ हो गया। इन्होंने एटीएम से पैसे निकालते हुए चोरों को देख लिया है और उसके डर के मारे या तो ये एटीएम बंद करके अंदर बैठ जाओ। जवाब क्या दिया था इन्होंने? पहला वाला दिया था, एटीएम लॉक करके बैठ जाओ। आई थिंक मीराब विल डू द सेम। या एटीएम बंद करके बैठ जाओ। वी हैव लॉस्ट द गेम। नो, राम की शहनाई। ये हैं जो जीता वही सिकंदर। नहीं, इस वक्त बनता है जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि शुरू से तो यही जीत रहे थे और आखिर में आके लड़कियां ही जीतती हैं। लड़कियां ही, लड़के तो अपना दिल हारते हैं, लड़का भी हारते हैं, लड़का भी है। क्या क्या? अच्छा, लड़का भी है इस टीम में। अच्छा, मतलब कहने में अभी इस वक्त तो मुकाबला था मीराब और बख्त के बीच में, तो आप परेशान हो, मैंने आपको। ओके, साइमा, समरीन, मुन्नी और हुनैन, ज्यादा फड्डेबाज को बख्त और मीराब बताएंगे। अच्छा, इन चारों में इन चार ज्यादा फड्डेबाज कौन है? समरीन। हाँ, समरीन फट्टेबाज है। कैरेक्टर वाइज? हां। ओ या यार, समरीन पागल हूं ये पूछो कि हमाद या जवेरी लड़वा दो, यही लड़वा, यही लड़वा। समरीन और यहां से समरीन, चारों में समरीन फट्टेबाज। अच्छा, बहुत दिल एक कौन है? ये वो वाली ये साड़ी लूं? हां ना, अब मुझे समझ आई कैरेक्टर। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अगर आपको देखना है हर तरफ शहनाइयां बजते हुए तो देखिए 8 से 10 आज रात ARY डिजिटल पर शहनाई गुड मॉर्निंग।
दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जी? मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। शादी तो मुझे भी नहीं करनी। सच? आज मेरे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। आज हम इस्लामाबाद जाएंगे और पहुंचते ही निकाह कर लेंगे। हुनैन के घर आपको मैं ले जाऊंगा। जाओ मेरे शेर, जीते रहो। हम दोनों एक दूसरे की मदद से ये शादी तोड़ देंगे। मिलकर कोशिश करेंगे इस बार। बस तुम दुआ करो आज रात खैर से वक्त भाग जाए। यूं ही थोड़ी मोहब्बत को आग का दरिया कहते हैं। डूबने जा रही हूँ, दुआ करना कि पार कर जाऊं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रात 8 से 10 डबल एपिसोड आप देखेंगे शहनाई के। और ये सारी जो आपको हो रहा है ना कि किससे शादी करना चाहती है, क्या होगा, ये सारे हल्के हल्के तो टीज आपको किया गया है ना, ये सारा सुकून आपको मिल जाएगा रात 8 बजे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सुकून पहुंचा रही हूँ, जब आप सुबह सुबह खासतौर पर आपका मूड नहीं अच्छा होता तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुकून पहुँचाती हैं, जैसे मिठाई, चॉकलेट, मीठी चीज़ें। एक दूसरे की तरफ चीजें फेंकने को आप सुकून कहती हैं। मैंने आपके पास कोई चीजें नहीं रखी, चॉकलेट्स रखी हैं। चॉकलेट्स को खूबसूरती से पैक किया हुआ है। और मैं अब ड्रामे का कैरेक्टर के हवाले से नहीं, मैं आपकी सबकी पर्सनालिटी, क्योंकि कितने माशाल्लाह कास्ट में कितने लोग हैं जवेरिया? मेन हाँ तकरीबन 35 लोग हैं। मतलब लाइक सेट पे, एक टाइम पर सेट पर कम से कम भी 12 खवातीन होती हैं और 6 मर्द होते ही हैं एवरी डे। तो वो उस वक्त देखिए ना, बहुत ज़रूरी, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये कैसे किस तरह के मिजाज के लोग हैं जानना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास 6 ड्रामे के एक्टर्स हैं और माशाल्लाह जैसे कि उन्होंने बताया 35 एक्टर्स हैं तकरीबन इस ड्रामे में। तो इस वक्त मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी के हवाले से सवाल पूछूंगी। आपको लगता है वो जो चीज़ है जिसका नाम मैं ले रही हूँ, वो जिस पर ज़्यादा फिट बैठती है उस पर चॉकलेट प्यार से मर दीजिएगा। प्यार से प्लीज कैच कर ले वो, एक काम करते हैं कैच करवाते हैं। हाँ, ये नहीं करवाते। अच्छा देखो, क्या पता रमशा जो है उसको ये लगता होगा कि यही ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो ज्यादा अफान में है, जवेरिया को लगता होगा ज्यादा माह में है। तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मुझे लगा कि जो सवाल आपने पूछा है वो मैं हूँ तो खुद रख लेना, सब के मैं हूँ और वो सब के सब खुद रख लेगी फिर सारे और बाकी सबके भी। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले सेगमेंट में तेज मिजाजी का पूछा था और वो कैरेक्टर आपने बोला था, लेकिन एक्चुअल में कंपैरेटिवली आप 6 जो लोग बैठे उनके अंदर जरा सा तेज मिजाज किसका है, किसका है, किसका है, किसका? ये तो हम सब अपने पास ही रख लेते हैं। I don't think कोई भी किसी को ला रही। मतलब कोई एक जिस होता है ना, किसी का होता है थोड़ा सा आप पे गुस्सा नहीं किया, किसी और पे कर दिया, या बड़बड़ाती रहती है या मैं भी कर सकती हूँ ना, क्या बड़बड़ाती कौन रहती है, मैं बता सकती हूँ ये औरत, मतलब बता और सब जवाब दो ना, थोड़ा मैंने तो जवाब दे दिया, ये देखिए इधर। अच्छा दो उधर चले गए। भाई हम डर क्यों रही हो? डर नहीं रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज़ एवरीबॉडी सो स्वीट। आई एग्जैक्टली करना है जल्दी फिर आप फान कर सकते हैं। ओके हां फान थोड़ा सा सेट पर हल्का हल्का सा, मैंने तो नहीं देखा इतना मंडर भाई, तो अच्छा एक्टर है, आगे जाएगा टेंशन नहीं है। ये ले सही उसने तीन ले लिए, मुझे एक तीन का फोटो उठा लिया है जरा से। कोई कोई एग्जांपल दो ना तेज मिजाजी की, मुझे क्या हो रहा है। अच्छा मजे की बात है, जब तेज मिजाजी होती है तो उस वक्त अफान के रहता है मैंने इतनी लेट कर दिया आपने, अब मैं सीन नहीं कराऊंगा, लेकिन अफान फिर भी सीन कराता है, बड़े अच्छे से कराता है। वही कह रही थी जो वो होता ही मिजाजी है ना, हां वो बहुत क्यूट सा होता है, वो तक कि दिस इज नॉट ओके कहने की। मैंने एक दफा अफान को चीखते हुए सुना था तो हीरा नकल उतार के दिखा। मैंने अपान से एक दफा चीखते हुए सुना था सेट पे, वो भी जब हम गाना शूट कर रहे थे, आवाज आई थी, लोग इतने साइको। आपने हीरा का जिक्र किया तो मैंने भी नेट पे देखा, एक तरफ अपान की तस्वीर लगाई हुई है, एक तरफ मानी की तस्वीर लगाई हुई है और कह रहे
वोट करें कौन ज्यादा अच्छा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, रील और रियल लाइफ करके वोट करें। अच्छा इसकी तेज मिजाजी की मिसाल दे जरा, मिजाजी मिजाजी इनका यही होता है कि जब सेट पे आती हैं तो अगर सीन थोड़ा लेट हो रहा हो तो यार जल्दी सीन करो, जल्दी सीन करो, बहुत टाइम ये कब हुआ ऐसे तो नहीं करते बहुत। अच्छा नहीं मैं बताता हूं, मेरा कॉल टाइम 5 बजे का, मैं बस 6 बजे आऊंगी। हां 5 बजे नहीं है, इसने 1 घंटा चाहे 5 बजे आ जाए लेकिन इसने कहना है कि मैंने 1 घंटा लेट। और आते ही पहली डिमांड मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग, मुझे भूख लग रही है। नो एनी टाइम, नो नो सुबह, आज सुबह भी बोला था इसने, आज सुबह 6 बजे उठ के आई हूं आए खाने को इसके लिए, मतलब साथ नाश्ता नहीं करके आए। हां ऑनेस्टली ओके जी, हां जी हां, जरा सा कोई भुलक्कर थोड़ी सी मेमोरी जिसकी इन 6 लोगों में आपस में थोड़ी सी लाइन थी याद रहती है, अपनी चीजें रख के भूल जाना, रास्ता भूल जाना, कपड़े कंटिन्यूटी के भूल जाना, मतलब बिल्कुल कपड़े कंटिन्यूटी के। ये मेरी बहन, ये मेरी बहन, सगी बहन मेरी, चलो भाई चलो, कोई कंटिन्यूटी की चीजें इसके पास नहीं होती, हम बाथरूम से मेकअप रूम से सेट के रूम से हर जगह से चीजें उठा उठा के मैं लाके दे रही हूं, तो बहन ही तुम्हारी बहन कंटिन्यूटी कपड़े घर में भी भूल जाती है। हां अच्छा पता है ये चीजें मैं भी करती हूं लेकिन क्योंकि सब रमशा को दे रहे हैं, रमशा बहुत शौक था ना तुम्हें चॉकलेट खाने का, अब खाओ कैंसिल करा दें इसका नाश्ता क्योंकि चॉकलेट से पेट। ओके बात से बात निकालने वाला बातूनी मजेदार कंपनी और भाई गपूड़ा। अच्छा रियली ये गपूड़ा नहीं ये भी करती है गपूड़ी। यस हाँ आपके पास गई है और दो चॉकलेट्स नहीं एक चॉकलेट। तुमने नहीं किसी का बताया कौन कपूरा है, अपने आप को दिया मैंने, तुमने खुद ही ले मैंने लिया नहीं है पर मैं ही हूँ वो। ओके हाँ जरा सेंस ऑफ ह्यूमर हर किसी का अच्छा नहीं होता, ये एक नेमत होती है जिसके पास होती है, तो इन 6 में से सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? ओके लाओ दे दो, सोचना ही नहीं है के ऊपर। हां ओए 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 आशीष ओके अच्छे पे आए करने वाली है। एक होता ना तो चिढ़ जाते हैं, खाना नहीं आया चिढ़ गया, खाना तो गया चिढ़ गया आपको जल्दी किस बात की, कौन से बच्चे रो रहे घर में चुप कराना है? नहीं जल्दी नहीं, वो टाइम ऐसा हो चुका होता है कि अफान बोलते यार सुबह के सीन में से इतना टाइम कम लगा के यहाँ ज्यादा लगा देते हैं। एक वाक्य बताऊँ, अफान पूरी फैमिली तो लाहौर में, यहाँ किसके लिए जल्दी जाती और कोई जिंदगी नहीं। हम लोग OST का शूट कर रहे थे, पहला दिन था और हमारा इतना काम नहीं था। अच्छा मुझे इवेंट्स में ना बहुत मजा आता है क्योंकि शादी का माहौल होता है, मैं सब चिल कर रही हूँ सबके साथ जो भी फारिग होता है। अफान को गुस्सा आ रहा है, 4 घंटे हो गए हमें क्यों बुलाया है, इतनी सुबह क्यों बुलाया, हमारा एक शॉट नहीं हुआ उस दिन, हमारा एक ही शॉट हुआ था छोटा सा, लेकिन उस वक्त मैंने रियलाइज किया अच्छा ये बहुत पटक गया था। हाँ। लेकिन वो दो दिन बहुत मजेदार गुजरे, बहुत अच्छे। और मैंने रेडबुल हमने मंगवाई, रेडबुल पे भी पंगा हुआ था, मैंने कहा अफान रेडबुल पियो माहौल को एंजॉय करो। और इन मैडम ने 3 रेडबुल पी ली, 3 रेडबुल, 4 कप कॉफी विदाउट फूड एंड आई फेंटेड। ओ यस, और उस वक्त मुझे अफान की समझ आती कोई मर जाए यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने वो उसकी डांस की रिकॉर्डिंग के लिए इतनी रेडबुल बिल्कुल अंधेरे में 4 बजे कोई आके बैठे, इतनी ठंड थी। हाँ, हम दोनों आके और हमने जितने बॉलीवुड गाने हो सकते हैं, पाकिस्तानी गाने हो सकते हैं, हमने बैठ के सुने, वहाँ पे डांस भी किए, हमने बैठे बैठे डांस किया सायरा बहन। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद वो सब शायद ओवरडोज हो गया कैफीन का, सर पे तो डांस करते मुझे लगा सब ब्लर हो गया, मैं बहरी हो गई और ये लोग डांस कर रहे हैं कुछ हो रहा है, मैं यही पीछे डायरेक्ट फ्लोर पे। ओ माय गॉड, हाँ भाई तो भाई सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और कुछ लोग अपनी क्वालिटी सबको बता के ही रहते हैं, अपने मुंह में जरा मियां मिट्ठू होते हैं ना कुछ लोग, तारीफ है थोड़ा सा अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैं ना मैं तो मैं दे दूं अकेली तो बहुत वियर्ड सा लगेगा, तारीफ नहीं लेकिन एक दफा बस
मुझे एक बात याद आ गई कि आपने मेरा वो डांस सिखाया तारीफ नहीं की आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी उसमें इतने व्यूज आए ये देखें ये मैं नई चीज कर रहा हूं इसमें मैंने कैसे मूव नहीं अच्छी बात है इस पैशन है ना सही है भाई लेकिन दिस शो भी विल बी एन आई ओपनर फॉर हिम ऑफ कोर्स ही वुडंट रिपीट सच यस ओके अच्छा हर मसले का हल किसी के पास होता है तुम ना ऐसे करो शहद में तुम करके खाते ना गरारे यार मेकअप रूम में मेरी बात सुन इतनी सी तुम कलौंजी खाओ ये कल मुझे बोला था इतनी सी खाओ तुम ठीक है तुम्हारा बिल्कुल पेट ठीक हो जाएगा और आपको एक और बात साड़ियां बांधने से और सब जे का काम भी नहीं होता तुमने जे प्लीज आ जाए साड़ियां बांधनी है जे कैन यू प्लीज हेल्प मी ओएसटी पे ग्लासेस अपने बांटे उन्होंने ज्वेलरी और ग्लासेस गुम भी गए थे जो गाने में मैंने ज्वेलरी पहनी वो इनकी पहनी हुई है जी जवेरिया स्टाइलिस्ट हाँ नहीं बस मुझे लगता है कि ये जो अपकमिंग हीरोइंस हैं हमें जो सपोर्ट नहीं मिली इनको मिलनी चाहिए वी शुड स्टैंड बिहाइंड देम एंड लेट देम गो हम लोगों को भी बड़े जो थे ना वो हमारे बड़े थे बहुत बड़े थे हम कभी हमारी जरूरत नहीं हुई कि इनसे कुछ पूछ ले तो मुझे लगता है कि इन सबको हम चाहिए मैं तुम हम सब इनको सपोर्ट चाहिए बहुत जरूर हाँ जी हर बात की खबर क्या चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है शोबिज में अरे भाई उसके घर बिल्ली का बच्चा हो गया ये वो ये हमको होती है हर ड्रामे की स्टोरी पता होता है उसकी कास्ट क्या है उसने कौन कौन से ड्रामे किए सब इसमें मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ साइक्लोपीडिया बेसिकली मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ उसने अपना भी फौरन से उठा के रख लिया कि मैं सब कुछ करता हूँ मुझे पता है किसकी तरफ बकराव होगा घर भागने की जल्दी किसको होती है घर भागने की जल्दी एक्चुअली हम सब रख लेते हैं हम सबको होती है हम खुद रख लेते हैं अभी तो मुझे अफान की लग रहा था नहीं 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 वो सब बोलते हैं समझ होता नहीं है लेकिन दिल में सबके होता है बस हां तो ये हम खुद ही रखते हैं ये द हैप्पीएस्ट जब रैप होता हां ओके हां अच्छा क्या 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 लिख के तैयारी में हाँ भाई मेकअप में तैयारी में बाल सेट करने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगता है जरूरत है वो किया मेरे ख्याल से फेंकना है कि नहीं फेंकना मेरी तरफ से अपने पास रखना है आई हैवंट हैड दैट एक्सपीरियंस विद हिम पर अगर सब उद्धति दे रहे हैं तो नहीं वैसे मैं 5 मिनट सिर्फ लगाता हूं लेकिन मैं बैठता सबसे और वो 5 मिनट हर 15 मिनट बाद रुकती जी ठीक है बार बार बाल सेट करते रहते क्या प्रॉब्लम क्या होती है बाल सेट हर बार और इस औरत को तो बोलना पड़ता है बहन पफ कर लो ये तो बड़ी बहन लिपस्टिक की बहन सीन से पहले बाल ठीक कर लो उसको पता ना अहमद भट्टी ने लाइट अच्छी करानी है तो मैं अच्छी हूँ एक छोटे से ब्रेक करें ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या होने वाला है इन लोगों के साथ क्या जितने ऑब्जर्वेंट हाँ इन लोगों के साथ क्या कोई बुरा नहीं होने वाला परेशान मैंने एप्पल खिलवाऊंगी मैंने आइस लॉली ऐसा कुछ नहीं होने वाला लेकिन जैसे कि इनका इंसाइक्लोपीडिया बहुत तेज है ये सारे ड्रामे देखते हैं क्या आप लोग भी सारे ड्रामे देखते हैं कि नहीं आपने तो देखना है शनाई आज रात को 8 बजे ठीक है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए गुड मॉर्निंग दुनिया जहान की तुम्हें बीमारियां लगेगी बचोगे नहीं साहब बहुत ही तेज लड़की मुझे तो लग रहा है आज ये शादी टूट जाएगी अपनी इज्जत नीलाम होने से पहले मैं अपने हाथों से अपना गला घोट लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी तुम बहुत खुश रहो मेरा बहुत अच्छा लड़का है नहीं करनी भाई मुझे वक्त से शादी तो नहीं चाहता कि शादी हो जल्द अज जल्द ये शादी टूट जाए और जितनी जल्दी हो सके बंटवारा हो जाए अभी तो सिर्फ आगाज है आगे आगे देखें क्या होता है और अगर वक्त की किस्मत में रुसवाई है तो वो रुसवा होकर रहेगी कि मेरी जिंदगी है और इसमें मेरी किससे शादी होगी ये फैसला मेरा होगा ज्यादा पुराना ताल्लुक नहीं है आपसे कुछ दिनों की सही पर कहानी तो है
मिल नहीं सकते तो किसी मोड़ पे हमेशा के लिए बिछड़ेंगे तो सही। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास शहनाई की सिर्फ 6 लोग हैं, वैसे शहनाई में 35 लोग हैं। 600 लोग हैं। जब घर में शादी होती तो कितने लोग होते ना, बस वही समझ लें। और ये रात 8 बजे से 10 बजे डबल एपिसोड आज की रात देख सकेंगे सिर्फ ARY डिजिटल पर। तो यहाँ बख्त बैठी एक तरफ, यहाँ मीराब है, और इन दोनों की टीम्स, आप दोनों की तरफ जो है वो शहनाई छुपा हुआ है। देखते हैं कि क्या मीराब या बख्त की टीम सबसे पहले पर्दा उठाती है शहनाई से। देखना ये है, मैं आपसे सवाल करूंगी, सवाल के जवाब जो जल्दी देगा सही देगा उसको मैं पहला पर्दा उठाने का मौका दूंगी, एक एक कर, ठीक है जी? हाँ, वन बाय वन आंसर करना है। मैं पूछ रही हूँ जल्दी जल्दी से, जो जवाब दे दे। कोई 3 एक्टर्स जिनके ड्रामे में उनके डेथ सीन्स यादगार रह गए हों। कोई 3 एक्टर्स, मोहम्मद अहमद, अहमद भाई, फैसल कुरैशी और नुमान अली। अहमद भाई कौन? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी, फैसल कुरैशी और नुमान अली। और नुमान अली, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद अहमद, हाँ, फैसल कुरैशी और क्या नाम है, उष्णा शाह। अच्छा, मैं बताऊँ? मैं तो नहीं बता सकता, क्यों बता सकते हुमायूं, हमजा अली अब्बासी एंड फैसल कुरैशी। यस। अच्छा, अब मेरी टीम मुझे बताएं कि मैं किसका जवाब सेलेक्ट करूँ, जिसने पहले बताया। ओके, ये क्योंकि उसने पहले बताया तो ये टीम जाता है वक्त की। नहीं तो वो ये भी बताएगी वो कौन से सीन थे जो हमें भी याद नहीं। फैसल कुरैशी वो तो उससे सोचा मुझे याद। यहां से मैं यानी कि कोई भी नाम डालो, खाओ, ये क्या बात होती है, उठाओ ना नाइक इस आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। हां, 3 यादगार ड्रामों के नाम बता दें। अच्छा, 3 यादगार थप्पड़ ड्रामों में। हम मेरे पास वो, हाँ, जल्दी जो 3 बता दे। मेरे पास तुम हो, मैं बताती हूँ। हमने अभी वो जो है चीख में किसको सबक, चीख सबक कमल। ओके, और तीसरा मैं बताता हूँ, हमने अपने हथियार वैसे ही डाले हैं ड्रामा के नाम पे। मैं बताती हूँ तीसरा जो है वो है थप्पड़ तो नहीं था लेकिन थप्पड़ के क्लोज था। मैंने जो मैं नहीं हूँ बच्चों के पास, शोहर के पास दिल नहीं लगता, क्या रखा है पाकिस्तान में आपका? चले चले निकले यहाँ से। ओ, ये था मेरे पास तुमों का बेस्ट थप्पड़। क्या सीन था, ये रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी बीवी के लिए तो कभी मर्द बन नहीं सके, देखते अपनी माँ के लिए कितना मर्द बनते हो। मारो और मारो। क्या हुआ गर्ल पे, कैसे हंस के मारा रहा? मैं बताती हूँ, ये था अपने एक्टिंग मेरी थी, कल की भी दिखाया एक्टिंग मेरी। दिखाइए जी पर्दा, ये भी ना। हां भाई, हम घर आए, मतलब फौरन दूसरा ही था ना, और क्या था, ऐसे चलना है। मैंने कहा शायद तो मैं जा के लगा चोस करूंगी। ओके, हां चोस करूंगी। ये 3 वाला तो नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, हमें आती नहीं। 3 एक्ट्रेस के नाम पूछ रही हूं जिनके नाम हम नाम है, मतलब 3 कोई ऐसी जोड़ियां बताएं। साबुन थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ऐसी जोड़ियां जिनके नाम जो हम नाम है, जैसे हुमायूं सईद,
और हुमायूं अशरफ बोलते ना कि जिनके नाम सेम है दो एक्टर्स के नाम बताए तो हमें समझ आ जाता है हम नाम नहीं आया ना उर्दू में हम नाम हम नाम बहन छुपा रह जाएगा कोई तो कुछ करो देखो चाहे विन विन सिचुएशन है चेन्नई हम सबके गोल्डन वर्ड ओके जी ओके अच्छा तीन ड्रामे की कोई लीड एक्ट्रेसेस जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं की जवेरा अब्बासी जल्दी बताओ खान सारा खान बता दिया उन्होंने तुम लोग बाकी तुम लोग ज्यादा ड्रामे देखता है यार मेरी पहली मूवी इसकी पहली मूवी क्यों कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये किस तरह मिस होगी तीन रह गए ये वाली क्यों दिया तीन एक्टर्स जो पहले सिंगर्स थे जुनेद बिलाल बिलाल खान सईद खान तीन एक्टर्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई बिलाल अब्बास तीसरा बताओ जल्दी से हमने बोला है देखो क्या बोला हमने बोला एक मिनट मैंने कहा इसने कहा आफान हमार हमार बिलाल अब्बास हाँ सही नहीं हुई शादी हाँ नहीं हुई ठीक है डन 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 ओके ओके पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिनका यूट्यूब चैनल भी है सबसे पहले एक्सक्यूज मी योर टीम प्लीज अच्छा आप एक पहले आप हमसे पूछ ले इनसे पूछ ले जो कंफर्म होगा वो उस पे ओके नहीं 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 हमसे जो आपकी शहनाई है उसमें जो गानों का मुकाबला होता है या कोई वहाँ ऐसे ही करते हैं आप चुप हुए पहले हम आराम ऐसे ही होता है जैसे अभी हो रहा है और रात को ऐसे ही होने वाला चलो भाई अब तो अब चीखना है चीखना चीख के सबसे पहले चालू भाई ऐसे ही होता है शादियों में क्या होता है पार्टियां बन जाती है कोई भी बताए मैं यहीं से बैठी मेरा भी यही कानून के हाथ अच्छा कोई तीन एक्टर या एक्ट्रेसेस जो अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं मैं भी इमरान अब्बास इमरान अब्बास इसे बोल दिया इकराजी या क्या है तुमने तो अपना नाम लिया और मैंने क्या थैंक यू तेरा ये दांत मैं ही नोचूंगी आपको कुछ समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है हमें खुद नहीं आ रहा कुछ कुछ समझ आ रहा है कोई बात नहीं अभी छोड़ दे लेकिन रात को समझ आएगा 8 to 10 चेन्नई ये बैड हो गया ये बैड हो गया ये तो कुछ का कुछ होने जा रहा है पता नहीं क्या होगा जी नहीं है आप लोग की टीम ने चीटिंग कराई है बहुत ज्यादा जीत रहे थे अभी और से सुनो क्योंकि ये वाला सवाल आप दोनों में से किसी को जिता अफान वहीद पाकिस्तानी शोबिज में कोई जोड़ी ऐसी जो बाप बेटे की हो एक्टर्स होती है जावेद शेख उनके बेटे का क्या नाम है शहजाद शेख नहीं आ रहे मेरे पास और सवाल है फिक्र नहीं करो ओके
तीन ऐसे सेलिब्रिटीज जिनका साइड बिजनेस या कोई और बिजनेस कपड़े के ब्रांड इजाज़, हुमायूं और फैसल। यस फैसल का नहीं है, हमने दो बोले थे ना, अभी नया आया है, नया है, अभी खोल दिया इन्होंने बिजनेस, खोल तो दिया। हुमायूं का तू नहीं है, नहीं कपड़ों का ब्रांड और बहुत फेमस था, बहुत फेमस था। जुनैद जमशेद इजाज एंड फवाद, तो हमने दो नाम ले लिए। हाँ, और चलो हमने भी हमने लिए भाई। हाँ। नहीं नहीं वसीम बदामी नहीं, नहीं उनका तो हमाद ने अभी अभी कल अरे जुनैद आए कपड़ों का भी हमाद कर रहा है यार, प्लीज ये नहीं करना, ये हमने किया है, ये हमारे मनुकार भी दिया यार। उर्वा मावरा इमन मना, अच्छा हमने सगा सिर्फ आदमियों के, हां मैंने भी आदमी सुना था, मैंने एक्ट्रेस बोला, मैंने तो इमन मना मैंने एक्टर सुना, अच्छा हमने भी एक्टर, हां चलो हम जीत गए फिर भी हमें जीत गए। ओके अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तीन ऐसे सेलिब्रिटीज जो एक्टिंग के अलावा जिनके सलोन्स भी है, नादिया मलिक जान, शबीर जान, नादिया मलिक, शबीर जान एंड शगुफ्ता इजाज। सही जवाब, सही जवाब, ऐसी की तैसी। यस हाँ अच्छा, इस वक्त ARY पे जो भी ड्रामे चल रहे हैं उसमें किसी तीन ड्रामों के नाम बताओ। घमंडी शहनाई आके शुरू होने वाला है, वापस से वापस रिपीट टेलीकास्ट हो गया। ये चीटर औरत है। ओके हाँ अगला, आप लोग रेडी हैं? आप बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। मैं खड़ी हो जाऊं? आ जाओ दोनों खड़े होते, चलो चलो। वो तीन एक्ट्रेसेस जिन्होंने रियल लाइफ में अपनी शादी के दिन लाल रंग का जोड़ा पहना था। सबसे पहले मीराब की टीम ने शहनाई को बिठाया, लेकिन एक गेम जीती है की टीम और एक गेम। ये नाम ही इतने मुश्किल है, बख्त मीराब। अच्छा इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं बताना चाहती हूं कि ये जो प्रोडक्शन आप रात 8 से 10 देखेंगे जिसका नाम है शहनाई, ये आईजीन प्रोडक्शन है, अब्दुल्ला सेजा साहब की प्रोडक्शन, और साथ जो डायरेक्टर है वो अहमद बट्टी हैं, राइटर फिर से बताइए राधेन शाह, उसको मुझे सीखना है, कभी खुद का इतना मुश्किल नाम है, तभी मीराब वाह मुश्किल नाम है, हुनैन 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 क्या क्या। और जो सारे एक्टर्स हैं हम एक दफा उनके नाम भी ले लेते हैं, हमें नजर आ रहे हैं जावेद शेख साहब, निदा मुमताज, निदा मुमताज, सलमा, जो बच्ची है हमारी, अनुशेली, उमर आलम, बेरोज भाई, याद रहे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सारे नाम याद अभी नहीं आ रहे, नबीला अब्बा, नबीला, उनको आप सबको एक साथ देख सकते हैं रात 8 बजे ARY TV पर, 8 से 10 आज डबल एपिसोड होगा और डबल एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। ये ड्रामा बेस्ड है शादी, वो शादियां जो हमारे घरों में होती हैं और जिसको हम बहुत ही धूम धड़क्के से मनाते हैं। ड्रामे में कोरोना नहीं चल रहा तो इनका फुल धूम धड़क ज्यादा लोगों को भी बुलाया, तो एंजॉय करें घर बैठ के शादी अपने गंदे संदे होलियों। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चुटकी में आ रहे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी ये
जो मैं अभी बताने वाली हूँ, इसके लिए सब अपने जरा कान खोल लीजिए, क्योंकि ये आपके मतलब की बात होने वाली है। हर किसी को शौक है आजकल, पतले लगे हैं, ज़बरदस्त कपड़े पहन के इधर उधर जाएं और शोएं मारें, तो उस शो मारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, और वो प्रोडक्ट लेकर आई हैं जी बिजनेस कोच लुबना वकार, मेरे सामने बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये प्रोडक्ट जो यूज़ करती है, अपने ब्यूटी सीक्रेट शेयर करने के लिए आई हैं आज किरण हमारे साथ। क्या हाल है? हमेशा मैं कपड़ों के हवाले से आती हूँ। हाँ, तो लेकिन वो कपड़े इतने अच्छे कैसे लगते हैं? मैं यही कहना चाह रही थी, कपड़े अच्छे भी तब लगते हैं जब आप हेल्दी हो, आप स्लिम एंड स्मार्ट हो, आपके बाल अच्छे दिखते हो, आपकी स्किन ग्लो करती हो, तो बहुत जरूरी है, फिर कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो आज कुछ अपनी जिसे कहते हैं ना ब्यूटी और हेल्थ सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अच्छा, ये C9 जो है, C9 का सुनने में आ रहा है, C9 वेट लॉस, ये क्या कनेक्शन है, कैसे क्या है ये चीज़? C9, तो पहले मैं आपको ये बता दूं ना, ये लुबना जो बैठी हुई है यहाँ पर, इनके प्रोडक्ट्स जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाए गए तो आई वाज टोटली कन्विंस्ड। अच्छा। मतलब इतने जबरदस्त ये चीजें हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि देयर ऑल ऑर्गेनिक। अच्छा, आप जैसे C9 का मुझे डब्बा नजर आ रहा है, क्या क्या चीजें, जैसे क्या करेंगे हम? मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर है क्या। ये एक प्रोग्राम है, 9 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें आपने अगर वेट लॉस के लिए आपने ये प्रोग्राम करना है तो 5 से 7 kg के दरमियान आपका विद इन 9 दिन में 5 से 7 kg रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कोई आपको मतलब बेसिकली आपको कहीं किसी की चीज के लिए, इवेंट के लिए आपको। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो किसी एक चीज़ को कैटर नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्किन और बालों से रिलेटेड। जैसे ये C9, मुझे तो वज़न कम नहीं करना था, लेकिन हाँ, अगर आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो है, आपका इम्यून सिस्टम, आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बालों को, स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, तो भी आप ये C9 का प्रोग्राम, इट्स अ मिरेकल प्रोग्राम। मुझे लगता है कि ये मिरेकल, इसमें क्या क्या मिल रहा है ये जरा बताएं आप लुबना। एक जो डब्बा है C9 का, इतना फैसिनेटिंग है ना ये बॉक्स ही, इट्स क्या है? अच्छा, बेसिकली इसके अंदर 2 ये एलोवेरा जेल्स होती हैं। हाँ, ये क्या कैप्सूल्स हैं इसके अंदर? ये तो ड्रिंकिंग जेल है जिसको हम डाइल्यूट करके लेते हैं। अच्छा, एलोवेरा जेल, दिस एलोवेरा जेल इज एज प्योर एज यू आर डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम प्लांट, लेकिन ऑब्वियसली प्लांट से डायरेक्टली लेकर हम कंज्यूम नहीं कर सकते। देयर आर 400 टाइप्स ऑफ एलोवेरा प्लांट, उसके अंदर से सिर्फ 4 या 5 एडिबल हैं जो हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या हम लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता वो वाइल्ड हैं, वो रॉ हैं, वो आपको इस तरह यूज करने नहीं चाहिए। खा लेते हैं, नहीं खाने चाहिए, आपको समझ में पता ही नहीं। देखो कितनी सारी चीजें हैं जो फिर जबरदस्ती मेरे मियां तो बच्चों को भी खिला रहे, तो वो चकले बना बना के खा रहे होते हैं। अच्छा, वो बहुत बहुत डेंजरस है ये चीज़, और बिकॉज वो आपको नहीं पता वो वाइल्ड है, वो मतलब मेल है, फीमेल है, आप वो हर चीज़ तो कंज्यूम नहीं कर सकते उस तरीके से। ये जो है ये सुप्रीम क्वालिटी जो होती है इसकी, एक स्पेशी है एलोवेरा की जिसको एलोवेरा अगर आप इंटरेस्टेड है ये C9 प्रोग्राम लेने में, तो आप लुबना से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लुबना, सबसे पहले तो अपना फेसबुक पेज बताओ अगर किसी ने आपको कॉन्टेक्ट करना है। लुबना इज सो स्वीट, वो आपको एक एक चीज बड़ा डिटेल में बताएंगी अगर आप ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, कि कब क्या कितना लेना है। बिल्कुल, तो पहले आप चीजें देख लें कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, एलोवेरा जेल का मैं ये बता दूं कि ये जो एक्सट्रीम क्वालिटी एलोवेरबिडेंसिस है टाइप, जिसको हम ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में, USA में इनके फॉर्म्स हैं फॉरएवर लिविंग के, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में। ये USA से आते हैं? यस, ये बेसिकली USA मेड है, लेकिन ये 164 कंट्रीज में अवेलेबल है। लाइक जिसको 164 कंट्रीज में चाहिए, मैं इनको डायरेक्टली वहाँ पर डिलीवर करवा सकती हूँ। पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवर करवा सकती हूँ, और इन मोर देन 160 कंट्रीज में भी। और तो हमारा ये कंसर्न होता है ना कि ये डब्बे में एक ही चीज़ है और नहीं ना, इतनी सारी चीज़ें देखो ये दिया हुआ है। हाँ, ये शेकर है बेसिकली, इसी के अंदर आप ये जेल जो है वो वाटर में डालते हैं, मिल्क शेक, और शेक है ये, प्रोटीन शेक है बेसिकली। हाँ, और उसके अलावा ये मील सप्लीमेंट जैसे होते हैं ना, आप ये प्रोटीन शेक बनाएं तो आपको ये सप्लीमेंट्स हैं जिसके अंदर फाइबर है, और आपका 2 सप्लीमेंट्स हैं जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी हंगर को सप्रेस कर रहे होते हैं और आपकी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली। और ये भी दिया हुआ है कि आप कितना इंचेस में, आप इंचेस में बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हो, आप 9 डेज में आप लाइक एकदम से आप अच्छा खासा डिफरेंस फील करते हो। अच्छा, और ये एलोवेरा जेल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेडिकल ड्रिंक है, ये आपके टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा होता है।
So, आपने मुझे अभी बताया कि आप पाकिस्तान के अलावा 164 कंट्रीज़ ये जो प्रोडक्ट है ना ये खास दुबई से मंगवा के लेकर आती है और ये यूएसए की कंपनी है जो ये तमाम प्रोडक्ट्स बेच रही है मोर देन 160 कंट्रीज में इनके हेड ऑफिसेज हैं. अच्छा. तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना सिर्फ ये पूरा बॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है. कैसे पता चलेगा कितने का ये सारी इन्फॉर्मेशन. हाँ ये सारा कुछ आपको बताएंगी आप इनके फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा पे इनको क्या है जरा प्लीज डिटेल्स बताइए. फेसबुक का नंबर भी मेरे ख्याल से स्क्रीन पर आपने नंबर भी अपना दिया है. इंस्टा का पेज बेसिकली इंस्टा का और फेसबुक का जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है. अच्छा और ये स्टमक इश्यूज को आपके रिजोल्व करेगा आपकी स्किन आपकी हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है आपको एनर्जेटिक बनाता है. ये पूरा जो प्रोग्राम है C9 इसका मतलब मुझे और भी बहुत कुछ था. इसके अलावा ये जो एलोवेरा जेल्स हैं ये तो आप सेपरेटली भी ले सकते हैं. इसमें तो तकरीबन बहुत सारी बीमारियों के लिए बता दो बहन इतना तड़पा. अच्छा वैसे ये बॉक्स कोई डिस्काउंट वगैरह दे रही हो. डिस्काउंट में आपकी ऑडियंस के लिए स्पेशली जो है ना जियो पाकिस्तान गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ जी फॉर जियो हो गया तो सर सॉरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का जो स्पेशल 20% डिस्काउंट जो है वो 3-4 डेज इंशाल्लाह वो अवेल कर सकती है. रेंज बता दो. एक तो ये C9 है और एक इनका है ये 15 डेज का. ये सिमिलर चीज है लेकिन ये 9 दिन का है वो 15 दिन का. अच्छा 9 दिन में आपने कहा 5-7 केजी कम. बिल्कुल. और 15 दिन में कितना कम हो सकता है. 5-8 केजीज होता है. 5-8 बेसिकली उसके अंदर और इसके अंदर सब सेम चीज है जस्ट के ड्यूरेशन का डिफरेंस है और थोड़ा सा यूज करने का. बट नॉट टू फॉरगेट ये सिर्फ वजन लॉस वेट लॉस करने के लिए सिर्फ नहीं है मतलब आपकी इंटरनल बॉडी की जितनी भी क्लेंजिंग है ना वो वंस इन अ वाइल्ड रिलीज हर किसी को करनी चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिंस होते हैं उनको निकालना उनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है. तो वंस इन अ वाइल्ड बिल्कुल ये हेल्थ के लिए इसलिए भी अच्छा है बिकॉज जब आपकी टॉक्सिंस रिमूव हो जाते हैं तो जो आपकी इवन डाइट से भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को वो मिल सकते हैं और इसके अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स विटामिन और अमीनो एसिड्स एडेड हैं जो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. तो वो तभी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं जब आपकी क्लेंजिंग हो जाती है. आई वुड लव टू शो कि मैं इसका एक डेमो करके दिखा सकती कि किस तरह से अगर इम्प्योर्ड वाटर को जो है हम पानी मंगवा लें जल्दी से. नहीं था टाइम नहीं होगा. अच्छा बाकी प्रोडक्ट्स भी जो ये सारा डिस्प्ले आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें इसमें स्किन के हवाले से वो जो आपकी है ना. एग्जैक्टली. अच्छा इसके अलावा वेट लॉस के अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जैसे आर्थराइटिस डायबिटीज़ हाइपरटेंशन माइग्रेन थायराइड पीसीओएस इनफर्टिलिटी. तो जिस इससे रिलेटेड लाइक सबसे पहले तो हम उसमें भी C9 ही करवाते हैं क्लेंजिंग और उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट भी है. तो फॉर बहुत सारे लोगों को ये, तो ये क्या चीज़ें हैं जो ये स्किन केयर की रेंज है बेसिकली. शैम्पू से कंडीशनर यही कंपनी है. हाँ एग्जैक्टली यही कंपनी है. अच्छा, और ये सब प्रोडक्ट जो है वो एलोवेरा बेस्ड है एज एन मेजर और बाकी भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योरली नेचुरल हैं प्योरली हर्बल. शैम्पू एंड कंडीशनर है ना ये बिल्कुल केमिकल फ्री है जो बालों को डैमेज नहीं करता. इसी वजह से थोड़ी सी बिकॉज ये ऑर्गेनिक है तो थोड़ी सी इनकी वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली बट इट्स वर्थ इट. अच्छा और डिस्काउंट रिपीट करें जो हमारे. अच्छा और इसकी रेंज क्या है थोड़ी सी रेंज बता दो ना जैसे अगर हम शैम्पू ले रहे हैं फॉर एग्जांपल अब जिस तरह शैम्पू तकरीबन ये 3500 का है लेकिन ये आपका 1 month चल जाता है जस्ट अ शैम्पू. और यस जस्ट शैम्पू. अच्छा ठीक है. और इसी तरीके से ये जो है ये 25,000 का है C9. ठीक है. और अगेन आपकी ऑडियंस के लिए तो ये 20% डिस्काउंट पर है फॉर 3 days फ्रॉम नाउ. अच्छा लुबना एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है फर्ज करें ये खानदान की पप्पो ने ले लिया ठीक है उन्होंने इस्तेमाल किया उनको बड़ा फायदा हुआ अब सब उनसे पूछ रहे तुम इतनी पतली होगी तुम थी तो क्या वो पप्पो भी आगे सेल कर सकती हैं. बिल्कुल कर सकती हैं. अच्छा ये बहुत मजे की बात है जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में खवातीन सारा दिन बैठ के अगर आप फेसबुक देखते रहते हो सारा दिन और सारा दिन आप बैठ के टीवी देखते रहते हो तो वाई नॉट आप कुछ प्रोडक्टिव कर लो कुछ क्रिएटिव कर लो. तो मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया था कि आई एम बिजनेस कोच मैं खवातीन को गाइड करती हूँ कि किस तरीके से वो घर बैठ के एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे 3 साल हो गए हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए और मैंने अपने फर्स्ट 3-4 months में यहाँ पाकिस्तान में अपना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया था और अपनी टीम भी डेवलप और घर बैठ के घर बैठ के अपने जितने जानने वाले थे उनको आपने ये सेल किया फिर उनसे और आगे कॉन्टैक्ट्स निकलते गए इसी तरह से टीम बिल्ड की. एग्जैक्टली. अच्छा. क्योंकि ऑब्वियसली 9-to-5 जॉब करना खवातीन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए बजाय इसके कि आप कुछ नेगेटिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. जो आपसे सारी इस
डाइट के हवाले से बात करनी है वो आपके फेसबुक पे जाके कॉन्टैक्ट करें, एक दफ़ा अपने फेसबुक एड्रेस बता दीजिए और फिर हम वाइंड अप करेंगे अपने शो को यहाँ पे। ठीक है, लुबना वकार वो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे भी चल जाना चाहिए, लुबना वकार भी आ रहा है और इंस्टा पे भी लुबना अंडरस्कोर। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो ये प्रोग्राम करने से करने के दौरान या कुछ भी, तो लुबना इज देयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। ग्रेट, थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने। जी रात को देखिएगा जरूर शहनाई सिर्फ ARY डिजिटल पर 8 से 10 डबल एपिसोड। गुड मॉर्निंग।